नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूं आपका टी सेलेस्टी यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे आज़ादी से पहले पांच भारतीय झंडों का इतिहास। 116 सालों में 6 बार बदला गया राष्ट्रीय ध्वज, क्या इतिहास रहा। इस साल देश की आज़ादी को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। लोगों से तिरंगा फहराने की अपील की जा रही है। इस तिरंगे के पीछे की कहानी बहुत लंबी है। बीते 116 सालों में 6 बार देश में झंडा बदला गया। इस आज़ादी के अवसर पर यह जानना बेहद ज़रूरी है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज की इस यात्रा में क्या क्या अहम पड़ाव रहे, कब क्या क्या बदलाव किए गए। आखिरी बदलाव 1947 में किया गया। आइए जानते हैं यूनियन जैक से तिरंगे तक का सफ़र। दोस्तों, उम्मीद है और वीडियो की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद ज़रूर आएगा। 1906 में मिला पहला राष्ट्रीय ध्वज। भारत की आज़ादी की लड़ाई जैसे जैसे तेज होती जा रही थी, क्रांतिकारी दल अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र राष्ट्र की अलग पहचान के लिए अपना झंडा प्रस्तावित कर रहे थे। देश में पहला झंडा 1906 में सामने आया। 7 अगस्त 1906 को पारसी बगान चौक कलकत्ता में फहराया गया था। इस झंडे में 3 रंग की पट्टियां थी। इनमें सबसे ऊपर हरे रंग, मध्य में पीले रंग और नीचे लाल रंग की पट्टियां थी। इसमें ऊपर की पट्टी में 8 कमल के फूल थे जिनका रंग सफेद था। बीच की पीली पट्टी में नीले रंग से वंदे मातरम लिखा हुआ था। इसके अलावा सबसे नीचे वाली लाल रंग की पट्टी में सफेद रंग से चांद और सूरज भी बने थे। अगले ही साल बदला गया झंडा। पहले ध्वज को मिले हुए एक साल ही हुआ होगा कि देश को दूसरा झंडा मिल गया। पहले झंडे में कुछ बदलाव करके मैडम भीकाजी कामा और उनके कुछ क्रांतिकारी साथियों, जिन्हें निर्वासित कर दिया गया था, इन्होंने मिलकर पेरिस में भारत का नया झंडा फहराया। यह झंडा भी देखने में काफी हद तक पहले जैसा ही था। इसमें केसरिया, पीला और हरे रंग की पट्टियां थी। बीच में वंदे मातरम लिखा था। वहीं इसमें चांद और सूरज के साथ 8 सितारे बने थे। 1917 में एनी बेसेंट और तिलक ने फहराया नया झंडा। इसके बाद 1917 में एक और नया झंडा सामने आया। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने एक नया झंडा फहराया। इस नए झंडे में 5 लाल और 4 हरे रंग की पट्टियां थी। झंडे के अंत की ओर काले रंग में त्रिकोण नुमा आकृति बनी थी। बाएं तरफ के कोने में यूनियन जैक भी था, जबकि एक चांद तारे के साथ इसमें सप्तऋषि को दर्शाते 7 तारे भी थे। 1921 में चौथी बार बदला देश का झंडा। इसके एक दशक बाद 1921 में ही भारत को अपना चौथा झंडा भी मिल गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान बेजवाड़ा में आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी को एक झंडा दिया था। यह 2 हरे और लाल रंग का बना हुआ था। गांधी जी ने इसमें कुछ बदलाव करवाए। उन्होंने इसमें सफेद, हरे और लाल रंग की 3 पट्टियां लगवाई थी। वहीं देश के विकास को दर्शाने के लिए बीच में बड़ा सा चलता हुआ चरखा भी बनाया गया। एक दशक बाद 1931 में फिर बदला राष्ट्रीय ध्वज। भारत का झंडा 1931 में एक बार फिर से बदला गया। इस झंडे को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर अपनाया था। इस झंडे में सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग और अंतिम में हरे रंग की पट्टियां बनाई गई। इसमें छोटे आकार का पूरा चरखा, बीच की सफेद पट्टी रखी गई थी। सफेद पट्टी में चरखा राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक था। आखिरकार 1947 में देश को मिला तिरंगा। तमाम प्रयासों के बाद जब 1947 में आखिरकार देश आजाद हुआ तो देश को तिरंगा झंडा मिला। 1931 में बने झंडे को ही एक बदलाव के साथ 22 जुलाई 1947 में संविधान सभा की बैठक में भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। इस ध्वज में चरखे की जगह सम्राट अशोक के धर्म चक्र को गहरे नीले रंग में दिखाया गया है। 24 तिल्लियों वाले चक्र को विधि का चक्र भी कहते हैं। इसे पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। इसमें ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरे रंग की पट्टी है। तीनों समान अनुपात में है। इसकी लंबाई चौड़ाई 2/3 है।
दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं जल्द आपसे मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।